हेलो टू ऑल बच्चों, माय नेम इज़ वंदना शर्मा। आज अपन जूलॉजी का, जो कि पेपर थर्ड है बीएससी सेकंड ईयर का, सबसे मेन टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। यानी कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं अपन, किसके बेस पर? फ्लैजिला के बेस पर। पहला है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, यानी कि यदि बैक्टीरियल सेल में केवल एक सिरे पर केवल एक ही फ्लैजिलम उपस्थित होता है, यानी कि फ्लैजिला के बेस पर कर रहे हैं तो अपन, तो जो फ्लैजिलम या फ्लैजिला, अपन सिंगुलर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं फ्लैजिलम, तो बैक्टीरियल सेल के केवल एक ही सिरे पर फ्लैजिलम उपस्थित होता है तो इसे हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। नाम से ही पता चल रहा है, मोनो यानी कि एक, एक ही फ्लैजिलम प्रजेंट हो तो उसे बोलते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरी। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, यदि बैक्टीरियल सेल के दोनों सिरों पर दो फ्लैजिलम प्रेजेंट हो या फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो इसे एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल, बैक्टीरियल सेल के दोनों सिरों पर हमें दिखाई दे रहे हैं ये देखिए फ्लैजिलम, तो इसका एग्जांपल है नाइट्रोमोनास। फिर आता है सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। इस टाइप के बैक्टीरिया में बैक्टीरियल सेल के एक सिरे पर, यानी कि आपको यहाँ डायग्राम दिखा रही हूँ, बैक्टीरियल सेल के एक सिरे पर फ्लैजिलम का या फ्लैजिला का गुच्छा पाया जाता है तो इसे बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरियल सेल के दोनों सिरों पर फ्लैजिलम या फ्लैजिला गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। उसमें था कि अपन जो पिछला पढ़ के आ रहे थे सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया, उसमें जो बैक्टीरियल सेल के एक सिरे पर गुच्छा पाया जा रहा था, जबकि इसमें लोफोट्राइकस में ऐसा नहीं है। इसमें बैक्टीरियल सेल के दोनों सिरों पर दोनों गुच्छे पाए जा रहे हैं बैक्टीरिया या फ्लैजिला के, तो इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वोलेंटियस। फिर अपन आते हैं पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। और अगर बैक्टीरियल सेल के संपूर्ण सेल के चारों ओर फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो इसे बोलते हैं अपन पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। जैसे ये आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ पाए जा रहे हैं फ्लैजिला इस तरह से, तो ये है पेरिट्राइकस। पेरी का अर्थ क्या है कि चारों ओर, पेरिट्राइकस का अर्थ है कि बैक्टीरियल सेल के चारों ओर फ्लैजिला या फ्लैजिलम पाए जाएंगे। फिर अपन बात कर रहे हैं एट्रिकस बैक्टीरिया। एट्रिकस बैक्टीरिया वो होते हैं कि ऐसी बैक्टीरियल सेल जिस पर या फिर बैक्टीरिया बोल सकते हैं अपन, जिस पर कोई फ्लैजिला उपस्थित ना हो, यानी कि इनको मोशन के लिए किसी फ्लैजिला की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे लैक्टोबैसिलस, दही का जो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, तो इस तरह से आज अपन ने डिस्कस किया है फ्लैजिला के बेस पर बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करो और लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।